शो कुमकुम भाग्य के आने वाले ट्रैक में ही आपको देखने को मिलने वाला है कि कैसे रणवीर को पता तो चल ही गया है प्रज्ञा का सच, क्योंकि जब झूमर गिरता है तो प्रज्ञा का चेहरा देख लेता है रणवीर, और इसके बाद बिना सोचे समझे अब आने वाले ट्रैक में वो प्रज्ञा को बताता नजर आएगा कि आपको ये शादी रुकवानी पड़ेगी क्योंकि आज शाम को ही हो जाएगी सर और तनु की शादी। और इस बात को सुनकर प्रज्ञा कहती है कि मुझे क्या करना, होने दो ये शादी। जिसके बाद रणवीर कहता नजर आएगा कि प्रज्ञा आंटी आपको ये शादी रोकनी पड़ेगी वरना आप इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। जिसके बाद आने वाले ट्रैक में आपको देखने को मिलने वाला है कि रणवीर के साथ मिलकर प्रज्ञा कर रही होगी पूरब से बात कि वो किसी भी तरीके से इस शादी को रोक पाए, कि तभी रिया उसको देख लेगी और रिया भावुक होकर रिया लगने वाली है अपनी माँ प्रज्ञा के गले और कहने वाली है कि माँ मुझे माफ़ कर दो। पर ऐसा क्यों कह रही है रिया? तो बता दे रिया इस वक्त काफ़ी इमोशनल है क्योंकि उसके सामने कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से वो समझ नहीं पा रही है कि वो क्या करे। लेकिन प्रज्ञा के साथ उसका बॉन्ड भी इतना स्ट्रांग है कि वो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ पाएगी। तो अब क्या होगा कहानी के आने वाले ट्रैक में, इसके अपडेट के साथ जल्द लौटेंगे हम। बने रहिए हमारे साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारा चैनल।